नमस्कार। ये तो आपने सुना कि डायबिटीज है, पैरों की खून की नसें बंद हो जाती हैं, हार्ट की खून की नसें बंद हो जाती हैं, दिमाग की खून की नसें बंद हो जाती हैं, लेकिन वो क्यों होती हैं? ये हमें सोचना और देखना है। मैं आपको एक मसला देता हूं। खून की नसें सिर्फ खून का बहाव चलाती हैं। डायबिटीज की वजह से, और डायबिटीज वो जो कंट्रोल ना हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से खून की नसों में थक्का जमना शुरू हो जाता है। थक्का यानी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। उससे ये खून की नसें हार्ड होनी शुरू हो जाती हैं, सख्त होनी शुरू हो जाती है। ये थक्का जो है, अगर खून की नस के अंदर जमेगा, आप समझने के तौर पे समझिए कि एक जैसे दीवार है, उस दीवार में या तो आप सीमेंट दो ईंटों के बीच में लगा के उनको जोड़ सकते हैं, या सीमेंट दीवार के ईंट के आगे लगा सकते हैं, जिससे कि वो सीमेंट जो है वो कमरे में दिखनी शुरू हो जाए। ठीक इसी तरह अगर सीमेंट दीवार के दो ईंटों के बीच में लगाई जाएगी और ज्यादा लगा दी जाएगी, अगर वो ज्यादा वहां इकट्ठी हो जाएगी सीमेंट, तो वो वॉल जो है, वो जो दीवार जो है, वो थोड़ी कमजोर हो सकती है, क्योंकि ईंटें पास पास नहीं है, बीच में एक लेयर आ रहा है जो कि सीमेंट का है। ठीक उसी तरह हमारी शरीर की जो खून की नसें होती हैं, उनके दीवार के बीच में अगर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाए, तो वो सेल्स जो हैं, जो कण जो हैं, वो थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, लेयर्स जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, और हमारी जो 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 खून की नस की जो दीवार है, जो वॉल है, वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है। वो जब कमजोर होती है, उसके अंदर थक्का जमता चला जाता है, और उससे वो नस जो है हार्ड होनी शुरू हो जाती है। अगर ये थक्का निकल के दीवार के अंदर चला जाए, यानी खून की नस के अंदर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे, तो फिर वो खून की नस के अंदर अगर थक्का जमता जाएगा, तो फिर खून की नस धीरे धीरे सुकड़नी शुरू हो जाएगी। अगर मैं आपको मसाल के तौर पे दिखाऊं कि ये एक खून की नस है जो बिल्कुल साफ है, अगर इसमें अंदर थक्का जमना शुरू होगा, तो आप ये देखिए कि ये थक्का यहां जमना शुरू हो गया और इससे खून की नस सुकड़ने लग गई। अगर ये और बढ़ा, तो आप ये देखेंगे कि ये खून की नस में इतना थक्का जम रहा है कि वो नस अब सुकड़ती चली जाएगी, और अगर इसमें और भी ज्यादा थक्का जमा, तो वो खून की नस पूरी की पूरी सुकड़ के अंदर से इसका जो रास्ता है वो सुकड़ना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज में ये खून की नस में थक्का जमने की जो एक टेंडेंसी है, वो बहुत बढ़ जाती है, और इसके कारण शरीर की खून की नस कहीं पर भी, चाहे आंख में हो, चाहे दिमाग में हो, चाहे हार्ट में हो, चाहे गुर्दों में हो, चाहे पैरों की नसों में हो, सब जगह इस तरह थक्का जम जाने से आपकी खून की नस बंद होनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से वो नस किसी दिन पूरी बंद हो जाती है। जिस दिन बंद होती है, उस दिन या तो ब्रेन अटैक होता है, यानी फालिज, यानी अधरंग, यानी पैरालिसिस, या हार्ट अटैक होता है, यानी उससे हार्ट की बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्या शुरू हो जाती है, या किडनी अटैक होता है, किडनी गुर्दे आपके बंद हो जाते हैं और किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, या पैरों की खून की नसें बंद होने से, जिसको कि हम पैरों का हार्ट अटैक यानी लेग अटैक कहते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज के कारण खून की नसों में थक्का जम जाने की वजह से खून की नसें सुकड़ के बंद हो जाती हैं। अब इसको हम कैसे चेक करते हैं और इसके लिए क्या करना पड़ता है, और कोई सिंपल टेस्ट अगर ऐसा है जिससे हमें पता लग सके कि हमारी डायबिटीज की वजह से शरीर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है कि नहीं, इसके बारे में मैं आपको